चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं गॉल्जी अपैरेटस के बारे में। तो पहले डायग्राम से समझते हैं। गाइस देखिए, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है गॉल्जी अपैरेटस का। इसका ये जो फेस होता है, ये होता है सिस फेस, और ये वाला जो फेस होता है, ये होता है ट्रांस फेस। ठीक है, ये जो फेस होता है, ये होता है सिस फेस, और ये वाला जो फेस होता है, ये होता है ट्रांस फेस। और इसमें ये जो प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं वेसाइकल्स। ठीक है, ये होते हैं टिब्यूल्स, और ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये है सिस्टर्नी। ये है सिस्टर्नी। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है गॉल्जी अपैरेटस का। गाइस, एनिमल सेल में गॉल्जी अपैरेटस कहा जाता है, बट प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, इन प्लांट सेल डिक्टियोसोम, याद रखिएगा, गॉल्जी अपैरेटस एनिमल सेल में कहा जाता है और प्लांट सेल में इसको कहा जाता है डिक्टियोसोम। ठीक है, जो गॉल्जी अपैरेटस होता है, ये होता है डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल। याद रखिएगा, गॉल्जी अपैरेटस होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैक ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन। इसमें क्या प्रेजेंट है? फ्लैटन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कंसिस्ट ऑफ टिब्यूल्स वेसाइकल एंड वैक्यूल्स। गॉल्जी अपैरेटस में टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वेसाइकल्स प्रेजेंट होती हैं, प्लस इसके साथ साथ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस, ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ गॉल्जी अपैरेटस। फर्स्ट फंक्शन, सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, हॉर्मोन एसेट्रा। जो गॉल्जी अपैरेटस होता है, इसका मेन जो फंक्शन होता है, वो ये होता है कि जो गॉल्जी अपैरेटस है, वो एंजाइम और हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। मेल्स में जो स्पर्म फॉर्म होते हैं, उसका जो एक्रोसोम वाला पोर्शन होता है, उसको गॉल्जी अपैरेटस ही फॉर्म करता है। तो गाइस, ये दो फंक्शन हो गए ऑफ गॉल्जी अपैरेटस। याद रखिएगा कि गॉल्जी अपैरेटस होता है डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो पहले राइबोसोम्स की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और फिर फंक्शन देखते हैं। गाइस, जो राइबोसोम्स होते हैं, वो या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटसाइड वॉल्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्मॉल ग्रैन्यूल्स ईदर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द आउटसाइड ऑफ आर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो राइबोसोम्स होते हैं, वो स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होंगे, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पे अटैच होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, सिंगल वॉल डेंस स्फेरिकल बॉडी मेनली कंपोज्ड ऑफ आरएनए। जो राइबोसोम्स होते हैं, ये सिंगल वॉल्ड होते हैं, एक ही वॉल होती है, डेंस होते हैं, और स्फेरिकल बॉडी होती है, जिसके अंदर मेनली प्रेजेंट होता है आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो गाइस, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए राइबोसोम्स के। अब देखते हैं फंक्शन। राइबोसोम का एक मेन फंक्शन होता है कि जो राइबोसोम है, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ये मेन फंक्शन हो गया राइबोसोम का। तो गाइस, याद रखिएगा कि जो राइबोसोम्स होते हैं, वो स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। प्लस जो राइबोसोम होते हैं, वो सिंगल वॉल्ड होते हैं, स्फेरिकल वॉल्ड होती है, जिसमें मेनली
आरएनए प्रेजेंट होता है, और जो मेन फंक्शन होता है राइबोसोम का वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो गाइस ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फंक्शन ऑफ राइबोसोम।